खबर आ रही है लॉन्ग मार्च से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजादी मार्च का अगला पड़ाव फैजाबाद होगा जबकि पीटीआई रहनम धरना देंगे तहरीक इंसाफ की क्या ने फैजाबाद में धरना देने का फैसला किया है इस सिलसिले में मुतलका इंतजामिया को दरखास्त भी दी गई है लाई का मजीद बताना है की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तहरी के, के रहनम वासम ने डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी है की पीटी आई रहनुमा छब्बीस नवंबर को फैजाबाद के मुकाम आरोप पुरान धरना देंगे चेयरमैन पाकिस्तान खान धरने की क्या करेंगे और रावल पिंडी में भी धरना देने के हवाले ऐसी आगाह किया गया है दरखास्त में ये मौका अख्तियार किया गया है की छब्बीस नवम्बर का धरना हकीकी आज़ादी मार्च का तसलसल है इंतजामिया से दरख्वास्त है की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम मुकम्मल किए जाए याद रहे की गुजशत दिन सबक वजर अजम इमरान खान ने छब्बीस नवम्बर को रावलपिंडी पहुँचने का ऐलान किया था